नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज और आपका स्टडी हेल्प चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला है राजस्थान एलडीसी के 12 अगस्त के सेकंड शिफ्ट की आंसर की, दोनों बताने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश की। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी को होगा कि जैसे ही मैं एलडीसी से जुड़ा कोई भी नया वीडियो लेकर आऊँगा, दोस्तों जैसे ही मैं कटअप लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन को दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के एलडीसी की। आज के दोस्तों मतलब 12 अगस्त के दिन हुए सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके वीडियो पसंद से लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक पीडीएफ फाइल की ओर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मैं आ गया हूँ, वहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों, इंग्लिश के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंग्लिश के सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा सी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा डी। दोस्तों, उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आंसर होगा ए। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी आंसर होगा ए। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा सी। उसके बाद सेवन्थ की बात आती है दोस्तों, सेवन्थ में आंसर होगा डी। और उसके बाद एट्थ की बात आती है, एट्थ में होता है ए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में होगा पी और टेंथ में होगा ए। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन्थ की और ट्वेल्थ की। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इलेवन्थ में होगा बी और ट्वेल्थ में भी होगा बी। दोस्तों, थर्टीन में बात करते हैं, थर्टीन में भी होगा बी। दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं फोर्टीन की, फोर्टीन में होगा डी, फिफ्टीन में होगा ए, सिक्सटीन में होगा सी और सेवनटीन में होगा सी। तो दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में एक सेंटेंस दिया होता है, उसका इंग्लिश में करना है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो उसके में होगा बी। दोस्तों, उसके बाद आते हैं 20वें और 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, 20वें में आंसर होगा, आप अभी देख लेते। तो विच इज़ द मोस्ट एप ट्रांसलेशन ऑफ आई वंडर इफ इट्स ट्रू, मैं सोच रहा हूँ क्या सच है, मुझे यकीन नहीं, सच होने पर यकीन नहीं, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह। तो दोस्तों, इसमें होगा दोस्तों, दोस्तों सी होगा इसमें। इसके बाद बात करते हैं 21वें की, 21वें में आंसर होगा डी। 22वें की बात करते हैं, 22वें में होगा ए। 23वें की बात करें तो 23वें में होगा बी। दोस्तों, उसके बाद 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वें क्वेश्चन में आंसर होगा ए। इसके बाद 25वें में ए, 26वें में सी, 27वें में सी और 28वें में बी सी। दोस्तों, उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम, मतलब उसके बाद आपको सिनोनिम मतलब आपको उसका पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। गिवन ऑप्शन डेस्पाइस का, दोस्तों यहाँ पर डेस्पाइस का हो सकता है, अपने एट नहीं हो सकता। दोस्तों, इसका आप मुझे लग रहा है एंटागोनिस्ट हो सकता है। दोस्तों, लेकिन आप बाद में मिलन कर लीजिएगा इसका, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो डेस्पाइस सिनोनिम ऑफ डेस्पाइस। ओके दोस्तों, उसके बाद 30वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30वें क्वेश्चन में बी होगा और 31वें में दोस्तों अभी देख लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी, इसका मतलब आश्चर्यचकित में आपको इस ट्रांसफर करना है। दोस्तों, आई वुड गिव एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी, व्हाट वुड आई गॉड नॉट गिव टू सी यू हैप्पी, ओ वुडंट आई।
दोस्तों इसमें बी होगा क्योंकि बाकी सब आप नेगेटिव और इंटरगेटिव दे रहे हैं, तो दोस्तों यही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बी में, सॉरी 32 में, 32 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एसर्टिव टू इंटरगेटिव ट्रांसफॉर्म शब्द। तो इसको इंटरगेटिव में आपको चेंज करना है दोस्तों। नाउ नाउ वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ माउंटेन पीक हायर देन एवरेस्ट। दोस्तों विल यू फाइंड अ माउंटेन पीक हायर देन एवरेस्ट, वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ माउंटेन। नाउ ईयर इन देयर अ माउंटेन पीक, दोस्तों इसमें बी होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 33वें क्वेश्चन के बारे में। 33वें क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस। मैन कैनॉट डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल एड्स। असर्टिव टू इंटरोगेटिव, दोस्तों मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग, हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग, कैन मैन डाई बेटर देन हैविंग टू फेस, कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल। हाउ कैन मैन डाई, दोस्तों इसमें सी होगा। उसके बाद 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वें बी होगा। 35वें की तरफ चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी प्रोनंसिएशन ऑफ द सेंटेंस। इट इज डिस्टेंस दैट वी शुड मीट हियर, दोस्तों टू थिंक ऑफ यू आई थिंक इट इज डिस्टेंस दैट वी शुड मीट हियर। दोस्तों इसके बारे में क्या नहीं सीखते हैं आपको, बाद में क्वेश्चन के बारे में आपको कमेंट करके दिखा दूंगा। दोस्तों उसके बाद हम बात कर रहे हैं 36 की, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। दोस्तों इसमें बी होगा। उसके बाद 37वें क्वेश्चन की बात करें, 37वें में ए होगा। उसके बाद 38वें की बात करें, 38वें में सी होगा। उसके बाद 39वें में ए, 40वें में आप चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द फ्लैंग, द पैल इज फिल्ड विद वाटर। दोस्तों दिस इज आई थिंक दिस इज करेक्ट, चेक बाद ओ चेक आफ्टर। दोस्तों ये 41वें बी होगा, 42वें में डी होगा, 43वें में सी होगा। तो दोस्तों अब उसके बाद हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 44, ये नोट दिया हुआ है दोस्तों कुछ। उसके बाद हम ले चलते हैं आपको 44वें क्वेश्चन के, 44वें क्वेश्चन में डी होगा, डी। उसके बाद हम 45वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 45वें क्वेश्चन में डी होगा, 46वें में सी होगा, 47वें में ए होगा। दोस्तों 47वें ए और 48वें में भी ए। उसके बाद अगर बात करें 49वें में, तो 49वें में सी होगा, दोस्तों सी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 50वें में सी होगा, 51वें में डी होगा, 52वें में डी और 53वें में ए, 54वें में भी ए। उसके बाद 55वें की तरफ चलते हैं, 55वें में डी, 56वें में ए, 57वें में दोस्तों चूज द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब फ्रॉम गिवन ऑप्शन। सी लुक्ड एज इफ सी हैड नॉट वॉश्ड, डिड नॉट वॉश्ड, सी हैडन्ट वॉश्ड, सी वाज़न्ट वॉश्ड, हैज़न्ट वॉश्ड। इसमें दोस्तों ए होगा। उसके बाद 58वें की तरफ चलते हैं, 58वें में बी होगा, 59वें में सी होगा। दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं 60वें क्वेश्चन की तरफ, 60वें में ए होगा, 61वें में डी होगा, 62वें में विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंस इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड। वुमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली टू मैन, वुमेन इज ट्रीटेड इक्वली, वुमेन आर ट्रीटेड इंफीरियर देन मैन। इसमें ए होगा दोस्तों। इत्ता सेड दैट हर फादर हैड डाइड बिफोर, तो दोस्तों यहाँ पर ये सी होगा, रीता सेज हर फादर हैज डाइड लास्ट ईयर।
उसके बाद हम 64वें क्वेश्चन के चलते हैं। 64वें में क्वेश्चन का रीड कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग सॉलेस सॉस एंड सॉस होगा। उसके बाद 35वें चलते हैं, इसका भी आपको एक ढूंढना है। तो दोस्तों डिसमेल का अपन नाइस नहीं नाइस प्लेजेंट ग्लूमी मान सकते हैं। चूज द करेक्ट सिनेमन ऑफ एंट्रेट, दोस्तों इसका अभी कंफर्म नहीं है, बाद में दिखा रहा हूँ मैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉलोइंग, तो इसका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल आप जानते हो कि कृत्रिम होता है, इसका नेचुरल यानी प्राकृतिक। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रेन की, तो उसमें ये बी बताया, बी हो रहा है। और 69वें में आप देख सकते हैं बी हो रहा है, नोइसी साइलेंट, साइलेंट मतलब आप एकदम ऐसे शांत और नोइस मतलब आवाज़ वाला। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है चूज द एंटीन मतलब एंटोनम्स, मतलब यहाँ पर आपको विलोम शब्द ढूंढना है, विलोम शब्द में अभी इसमें भी कंफर्म नहीं है, दोस्तों बाद में देखेंगे। 71 रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ही हैंड राइटिंग इज हैंड राइटिंग इज नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड इलिजिबल इलिजिबल इलिटरेट। ए हो सकता है। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड। ओके, अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स एन ऑर्फन बी, मर्डर ऑफ वन चाइल्ड इज सी। चौथों और पचहत्तर में बात कर लेते हैं दोस्तों, चौथों में बी होगा और पचहत्तर में ए होगा। तो दोस्तों अब उसके बाद बात आती है हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी का मैं बता देता हूँ। दोस्तों हिंदी का अगले पार्ट में होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों, उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसमें हिंदी का बताया जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये मैं थोड़ी देर बाद अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लेंथ ज़्यादा होने के कारण अभी मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में हिंदी का आ जाएगा, हिंदी पार्ट आ जाएगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही हिंदी का वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, सबसे पहले देख सकेंगे। तो दोस्तों तब तक ये देखिए जब तक मैं दूसरा हिंदी का भी अपलोड कर दूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।